भाभी जी घर पर हैं एन टीवी का वो शो है जो पिछले 7 सालों से हम सबको हंसाता आ रहा है। इस शो का एक एक कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद है और ऐसा ही एक कैरेक्टर था मलखान का, जो टीका सिंह के साथ चाय की टपरी पर बैठकर तिवारी जी और विभूति नारायण से बहुत पंगे लिया करता था। मैं बात कर रही हूँ एक्टर दीपेश भान की, जिन्होंने सीरियल से हमें बहुत हंसाया है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। आज सुबह यानी सैटरडे मॉर्निंग को वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गए, क्योंकि उन्हें क्रिकेट का काफी शौक था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटे। क्रिकेट खेलते टाइम ही वो गिर पड़े और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो अब हमारे बीच नहीं है। जब से ये खबर कंफर्म हुई है, हर कोई बस दीपेश भान की ही बातें कर रहा है। लेकिन क्या आप एक्चुअली में जानते हैं उस टैलेंटेड एक्टर के बारे में, जिन्होंने कॉमेडी से अपनी हम सबको इतने सालों तक हंसाया है? दीपेश भान की एज सिर्फ 41 ईयर्स की थी, जिनकी शादी दिल्ली में मई 2019 में हुई थी और उनका 1 साल का बच्चा भी था। उन्हें हमेशा से ही एक्टिंग और कॉमेडी का शौक था और जब उन्हें इन दोनों चीजों का शौक था तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक्टिंग और कॉमेडी को साथ लेकर चला जाए, और इसलिए उन्होंने कॉमेडी जॉनर वाले शोज में काम करना शुरू कर दिया। दीपेश थे तो दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली से, वहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखी और 2005 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो चले आए मुंबई आंखों में ढेर सारे सपने लिए। हाँ, शुरुआत में उन्होंने काफी काम किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ते रहे। कुछ शोज में जिनमें दीपेश ने काम किया है वो है कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी क्लब, भूतवाला, मे आई कम इन मैडम, FIR, सुन यार चिल मार और भाभी जी घर पर है के बारे में तो हम सब जानते ही है। कॉमिक टाइमिंग हमेशा से ही दीपेश की काफी अच्छी रही थी, इसलिए तो वो जो भी कैरेक्टर प्ले किया करते थे लोग बहुत जोर जोर से हंसते थे। साल 2007 में वो फिल्म फालतू ऊट पटांग चटपटी कहानी में भी नजर आए थे। वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने आमिर खान के साथ T20 वर्ल्ड कप की एक एड में भी काम किया था, जहां लोगों ने उन्हें नोटिस भी किया। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि असली नेम और असली फेम उन्हें मिला भाभी जी घर पर रहकर शो से ही। शाइनी सी टी शर्ट पहने, फनी तरह से मूछ लगाए ये एक्टर मलखान का कैरेक्टर प्ले करते हुए जब स्क्रीन पर आते थे, उनके फैंस जोर जोर से हंसा करते थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मलखान यानी दीपेश को हर दिन के शूट के 25,000 रुपए मिला करते थे, जिससे वो और उनका परिवार अच्छी लाइफ जी रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि 41 ईयर्स का ये टैलेंटेड एक्टर अचानक से एक दिन हम सबको छोड़कर चला जाएगा। अभी तक इनकी डेथ का कोई भी एक्चुअल कॉज नहीं सामने आया है, लेकिन शो के एक्टर्स और जो लोग इनको बड़े करीबी से जानते हैं उनका ये कहना है कि वो काफ़ी फिट रहते थे और ना ही वो स्मोक करते थे ना ही वो ड्रिंक करते थे, इसलिए अभी तक हर कोई सदमे में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। खैर, दीपेश भान हम सबके दिलों में हमेशा मलखान के रूप में जिंदा रहेंगे और लोग उन्हें उनकी बढ़िया कॉमिक टाइमिंग के लिए हमेशा याद रखेंगे।